हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग 500 करेंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि सितंबर 2021 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको, और ये हम लोग कवर करते हुए चलेंगे 500 करेंट अफेयर्स सीरीज सितंबर 2021 के बाद से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको अगस्त 2021 तक मैंने आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मेरे तरफ से 1090 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने आपको बिहार करेंट अफेयर के 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी उस सीरीज को नहीं कवर किया है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस सीरीज को वहां से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर सीरीज, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके। आज इसका पार्ट टू हम लोग कवर करेंगे। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग के द्वारा पार्ट वन ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए तो 16वां नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लिंक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके। 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने यूसीबी में एमडी पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति पर आरबीआई की अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट, द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट, बफरिंग कर रहा है क्या? एक सेकंड, अभी क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। वॉइस आ रही है सभी को, वॉइस आ रही है सभी को, वॉइस आ रही है। एक बार कैपिटल वाई लिख दीजिए, एक बार कैपिटल वाई लिख दीजिए। क्लियर है ना? ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आंसर करें। द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज स्टेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरबीआई नोटिफिकेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर इन यूसीबी। यूसीबी की बात यहां पे कही जा रही है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर आपका
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश इज द अब क्लियर है, अब वॉइस आ रही है सभी को, अब आ रही है, अब वॉइस आ रही है, अभी क्लियर है, एक बार कैपिटल वाई लिख दीजिए, वॉइस आ रही है सभी को। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया जिसकी वजह से ये बफरिंग हो रहा था, कोई बात नहीं, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस शहर में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। कार्यात्मक, इन विच सिटी इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च द फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर, वो आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। इनवाइट कर ले सभी लोग को, वापस से लाइव आ गया हूँ, इनवाइट कर लें जो लोग चले गए हैं, कोशिश करें सभी को इनवाइट कर दें, बता दें कि वापस से सेशन स्टार्ट हो गया, इनवाइट कर दें सभी लोग को, सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग वापस से ज्वाइन हो सकें। इन विच सिटी इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है लॉन्च द फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर ऑफ इंडिया, विच वन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर दिल्ली है, ये ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहले कहां पर, सीपी में, कहां पर याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आनंद विहार, एक आपका सीपी में और एक आपका आनंद विहार में, इसका क्या किया गया है, स्मोक टावर का उद्घाटन किया है, किसके द्वारा यहां पे उद्घाटन किया गया है, आनंद विहार दिल्ली में आपको ये देखने को मिलेगा, भूपेंद्र यादव के द्वारा, ये बात ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, क्लियर, डन। एक स्मोक टावर क्या होता है, देखिए स्मोक टावर का काम क्या होता है, स्मोक टावर को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है जो पॉल्यूटेड एयर को वो क्या करता है, फ्रेश एयर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, स्मोक टावर इज स्ट्रक्चर डिजाइन बाई लार्ज मीडियम स्केल एयर प्योरिफायर टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को ये क्या करता है, कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, वायु प्रदूषण को ये फिल्टर करता है, ये बात ध्यान, प्रदूषित हवा को ये क्या करता है, फिल्टर करके क्लीन एयर को बना करके उसको ये क्या करता है, ये आपका ये इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, ये बात ध्यान रखते हो चलेगा। ठीक है, 18 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है, वो आपको बताना है। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च द बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, वो आपको बताना है, बताइए, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग ज्यादा ज्यादा। बिजनेस प्लास्टर, वो आपको बताना, बिजनेस प्लास्टर, विच वन इज द राइट आंसर, कार्यक्रम की शुरुआत कहां पे हुई है, वो आपको बताना है कहां पे हुई है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा, मनीष सिसोदिया ने, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में दे रहा हूँ, ये बात ध्यान रखते चलेगा, दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपके लिए ईजी भी रहेगा सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने को लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सितंबर 2021 को बिजनेस प्लास्टर कार्यक्रम का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज राशि प्रदान करने, स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने, देखिए इंटरप्रेन्योर्स की बात कही जा रही है, स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, है ना, एक कैसे कहते हैं, बीज मोना, है ना,
तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है, तो उसी चीज को यहाँ पे बात कही जा रही है। उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था मनीष सिसोदिया के द्वारा, बिजनेस ब्लास्टर्स को लेकर के, जो नए उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उसको कन्वर्ट करने को लेकर के। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2,000 रुपए की यहाँ पे क्या दी जाएगी, जो जीरो मनी, जो स्टार्टिंग मनी जो दी जाती है अपने स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए, अपने अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो चीजें यहाँ पे इनको प्रदान की जाएगी, ताकि वो उनके अंदर जो आइडियाज है, जो प्रोजेक्ट्स वो सोच रहे हैं स्टार्टअप्स करने को लेकर के, टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में खास करके, है ना, तो वो बेसिकली उनको एक स्टार्टअप्स मिल सके और वो अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ सके। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले सही आंसर जो आया है 18 का, कुमार केशव, सोनल कुमारी, प्रांजलि। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करें, आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन गवर्नमेंट एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव साइंड अ 300 मिलियन डॉलर लोन टू एक्सपेंड रूरल कनेक्टिविटी इन विच स्टेट, वो आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 19, 500 सीरीज का ये करंट अफेयर्स है, ये ध्यान रखते चलेगा। 19वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हैं, सितंबर 2021 से हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। देखिए कहां तक 500 सीरीज हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। याद रखिएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी 19 का। सबसे पहले सही आंसर जो आया है, किसी का भी आंसर सही नहीं आया, किसी का भी आंसर सही नहीं आया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के साथ यहां पे ये साइन किया है, ये बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, वहां के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी रूरल इकोनॉमी को यहाँ पे बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण संपर्क में सुधार लाने के अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर यहाँ पे एडीबी बैंक ने किया है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर की जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए ये ध्यान रखते हुए चलेगा। चल रहे महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण से 34 जिलों में कुल 2900 किलोमीटर की लंबाई के लिए अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 230 पुलों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आप एक तरह से कह सकते हैं, 34 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डेवलप करने की बात कही जा रही है, 230 ब्रिजेस का निर्माण यहाँ पे करने की बात कही जा रही है और 1100 रूरल रोड्स बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है महाराष्ट्र में, ये बात ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। कितने मंथ का क्वेश्चन करवाइएगा, ये क्वेश्चन आपका सितंबर से स्टार्ट होगा, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, जब तक 500 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सीरीज आपका चलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कर्नाटक सरकार ने किस बैंक को अपनी नम्मा साने नन्ना कुडुगे पहल का समर्थन, देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर एक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा नम्मा साले नन्ना कुडुगे पहल का समर्थन करने के लिए डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए अनुबंधित किया है, वो आपको बताना है। विच बैंक हैज बीन रोप्ड इन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट टू बिल्ड डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट्स नम्मा साले मन्ना कुडुगे इनिशिएटिव, तो ये आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर, कोशिश करें, जितने लोग ज्वाइन किए हैं कम से कम आंसर करने का कोशिश करें। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, ऊपर तीन डॉट आपको दिख रहे होंगे, उस तीन डॉट पर क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए, क्लियर दिखने लगेगा, क्लियर दिखने लगेगा। Which one is the right answer? The right answer is option number, option number, option number D. जन लघु वित्त बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कही जा रही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आंसर आया कुमार केशव,
बहुत अच्छे, अंशु कुमार किशोर, वेरी गुड। दो लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, सिर्फ दो लोगों का आंसर है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी नम्मा साले नन्ना कुडुक्के, यानी हमारा स्कूल मेरा योगदान, इसका नाम क्या है, हमारा स्कूल मेरा योगदान, याद रहेगा आवर स्कूल माई कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो पहल स्टार्ट की गई है उसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड अप करने के लिए यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था 5 सितंबर को, ताकि डोनर्स को, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं इस स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति को सही करने के लिए, वो इसके माध्यम से वहां पे सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा बैंक का नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के साथ भारत ने ऑफशोर विंड पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? विथ विच कंट्री इंडिया हैज पार्टनर टू लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ऑफशोर विंड, वो आपको बताना है, बताइए। सर आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, अमव ठाकुर, अमर ठाकुर, मेरे मेरे अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी लोग यहां पर हैं जिनको मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिलता है, मैं उनको बता देता हूँ सिंपल तरीका, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे प्रोफाइल में जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहां पे एक कम्युनिटी ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, उस कम्युनिटी ग्रुप में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे रेगुलर अपडेट्स क्लासेस के आपको वहीं पे मिलते हुए चलेंगे, मेरे सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे, वहां से आप मेरे सारे क्लासेस के डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी विजिट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी मेरी क्लासेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिटी ग्रुप में जाकर के मेरे क्लासेस ढूंढिए, वहां पे आपको मेरे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, वहीं से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। विच वन इज द राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो यहां पे जो सही आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क, डेनमार्क इज द राइट आंसर, डेनमार्क इज द राइट आंसर, डेनमार्क 21 का ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले सही आंसर जो आया है, क्लियर। ठाकुर कुमार केशव, बहुत अच्छे। अंजना सिन्हा, प्रीति कुमारी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में क्या क्या पेपर करें? मेरे तरफ से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं कवर कराया जाता कुमार केशव, लेकिन कोशिश करें सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 11-12 का अच्छे से उसको कवर करें, दोनों वॉल्यूम को, बेसिक वही है, 40%, 40-50% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के वहीं से आप क्या जाएंगे, 50% तक का क्वेश्चन आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं 11-12 का एनसीईआरटी, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा डेनमार्क। तो यहाँ पे केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने नई दिल्ली में डेनमार्क के जलवायु ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डेन जॉर्गेंसन से मुलाकात की है, देख सकते हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हरे रंग की और ऊर्जा परिवर्तन भारत की नीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, वर्तमान में भारत का संपूर्ण लक्ष्य अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 मेगावाट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, कहां कहां पे, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, हरा भरा बनाने की ओर देखा जा रहा है, और ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे ओपन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, भारत का ने बोला है 2030 तक वो 450 गीगावाट आपका रिन्यूएबल एनर्जी से आपका बिजली का उत्पादन करेगा, और अभी फिलहाल हम लोग का, अभी हम लोग कितने पोजिशन पे, अभी हम लोग 146 गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 146 गीगावाट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया अभी 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 प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ कहाँ से, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह में, ग्रीन एनर्जी को लेकर। उत्तराखंड के नए राज्यपाल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए जल्दी से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर करें, इसका आंसर करें, बताइए, इसका आंसर करें, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सितंबर मंथ का, ये ध्यान रखते हुए चलेगा सितंबर मंथ का,
बताइए जल्दी से। गवर्नर, गवर्नर की बात कही जा रही है, बताइए विच वन इज द राइट आंसर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए नए राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो नए राज्यपाल आपके कौन है, गुरमीत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुरमीत सिंह इज द राइट आंसर, गुरमीत सिंह इज द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। गुरमीत सिंह इज द राइट आंसर 22 का सबसे पहले जो सही आंसर आया है। अर्णव ठाकुर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सिर्फ एक आंसर आया गुरमीत सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 22 का अर्णव ठाकुर, सी कैसे होगा, ये थोड़े ना है बंदारू दत्तात्रेय थोड़े ना है। डी इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल के नियुक्त कर दिया, यानी गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया इन्होंने, जब बेबी रानी मौर्या के द्वारा इस्तीफा दे, ये 5 साल का इनका कार्यकाल था, 2 साल तक ही ये वहां पे रही, 3 साल पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया, यानी 3 साल और ये वहां पे रह सकते थे उस पोस्ट पर, इन्होंने रिजाइन दे दिया, ये ध्यान रखिएगा, बेबी रानी मौर्या। अब उनके जगह पे कौन आया, गुरमीत सिंह आए, ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नर। इजी क्वेश्चन था। 23, किस संगठन के साथ डीआरडीओ ने MRSAM लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए भागीदारी की है। डीआरडीओ किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया है ताकि वो MRSAM कॉम्बैक्ट एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कर सके, डेवलप कर सके, विकसित कर सके। विच वन इज द राइट आंसर, आंसर करें, आंसर करें, विच वन इज द राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, 500 तक ये क्वेश्चन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इसको कवर कर सकें। बताइए किस कंपनी के साथ, आंसर करें, कैंसर करें, कोशिश करें जल्दी से आंसर करें, सभी लोग इतने लोग कनेक्टेड हैं, कोशिश करें जल्दी से आंसर करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली की पहली डिलीवरी योग्य फायरिंग यूनिट सौंपी है। भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जैसलमेर के वायुसेना स्टेशन में MRSAM को IAF को सौंप दिया गया है। MRSAM एक उन्नत नेटवर्क केंद्रित लड़ाकू वायु रक्षा प्रणाली है। इसे संयुक्त रूप से DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ इसको मिल करके इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा, 4.5 मीटर लेंथ की है, और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया था, प्रपोजल जो साइन किया गया था इस प्रोग्राम को लेकर के, फरवरी 2009 में इसका साइन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत 450 MRSAM और 18 फायरिंग यूनिट्स जिसकी वैल्यू $2 बिलियन थी उस पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है, क्लियर। तो 405 मीटर इसकी लंबाई है। कार्यक्रम के लिए अनुबंध पर फरवरी 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। अनुबंध के तहत IAF को $2 बिलियन के मूल्य पर 450 MRSAM और 18 फायरिंग यूनिट खरीदना था, तो ये ध्यान रखिएगा। MRSAM इज एन एडवांस्ड नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैक्ट एयर डिफेंस सिस्टम, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसको DRDO और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया है, दोनों के साझेदारी के साथ इसको डेवलप किया गया है ना। चलिए 24, किस मंत्रालय ने पायलट ड्राइव में मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पायलट ड्राइव मैं भी डिजिटल 3.0, विच वन इज द राइट आंसर। ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, विच वन इज द राइट आंसर वो आपको बताना है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पायलट ड्राइव मैं भी डिजिटल 3.0।
क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करें, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं भी डिजिटल 3.0 का जो स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम, लॉन्च किया गया है, वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है, कुमार केशव, अंजना सिन्हा, गुड्डू राज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से पायलट ड्राइव मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च शुरू किया गया। देश के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना, देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना की बात यहाँ पे कही जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना। याद रखिएगा, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर जो रोड पे जो रेडी वगैरह लगाते हैं, उसमें जो सब्जियां फल वगैरह जो बेचते हैं है ना, तो उनके लिए यह डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष अभियान स्टार्ट किया गया। भारत में अगर हम लोग बात करें, भारत पे हो गया, भारत पे हो गया, एमएस वाइप हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, एस वेयर हो गया, ये सारे लोग इस ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी का यूपीआई आईडी क्रिएट करवा रहे हैं, क्यूआर कोड क्रिएट करा रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो डिजिटली सारे अमाउंट को एक्सेप्ट कर सके और वो भी डिजिटल बन सके। ठीक है, कैशलेस पेमेंट की तरफ सभी को बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है, कैशलेस पेमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? स्वनिधि योजना के तहत, याद रखिएगा, मैं भी डिजिटल 3.0, जो बेसिकली स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए बेसिकली स्टार्ट किया गया। विजय रूपानी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? विजय रूपानी बताना है, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? विजय रूपानी बताइए, सिंपल क्वेश्चन बताइए, आंसर करें, आंसर करें, आंसर करें। सेशन को शेयर कर दे सभी लोग, सेशन को शेयर कर दे, कहां के ये मुख्यमंत्री थे? कहाँ के मुख्यमंत्री थे वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले जो सही आंसर आया है 25, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अंशु सुमन किशोर कुमार केशव, क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करें, धर्मेश कुमार। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस्तीफा दे दिया, श्री रूपानी के ने राज्यपाल आचार्य देवराज से मुलाकात की और अपना इस्तीफा। देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि सीएम इस्तीफा किसको देते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा, कोई भी मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल को। तो यहां पे रूपानी जी के द्वारा आचार्य देवव्रत को इन्होंने वहां पे मिले और अपना रेजिग्नेशन इन्होंने सबमिट किया। जो रूपानी ने अगस्त 2016 में तत्कालीन सीएम आनंदीबेन पाटिल के अचानक इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पाटिल, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आप कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया जिसके लिए सभी नए घरों में ईवी चार्जर की आवश्यकता है? ईवी चार्जर वो आपको बताना है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट रिक्वायर्स ऑल न्यू होम्स टू हैव ईवी चार्जर्स? बताइए, विच वन इज द राइट आंसर? जिन्होंने
जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है 720p पे सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी क्लियर दिखने लगेगा। विच वन इज द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, इंग्लैंड इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन नंबर डी, सबसे पहले आंसर आया कुमार केशव, फिर आंसर आया है चंदन कुमार, चंदन कुमार, अर्जुन सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। तो ब्रिटिश सरकार ने 2021 में कानून पेश करने की घोषणा की है जिसके तहत सभी नव निर्मित घरों और कार्यालयों को इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर कानून के तहत सभी नए घरों और कार्यालय में स्मार्ट चार्जिंग उपकरणों की सुविधा की आवश्यकता होगी जो ऑफ पीक अवधि के दौरान वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकते हैं। इसके अनुसार नए कार्यालय ब्लॉकों को प्रत्येक 5 पार्किंग स्थानों के लिए चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे कानून पास किए गए, याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसकी घोषणा की गई है कि जितने भी नए घर बनेंगे उन सभी घरों में क्या होगा, ईवी चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कानून पास किया गया है, याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली चार्ज कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा जब वो पीक पीरियड पे हो। 27 किस बैंक ने भारत में व्यवसायों के लिए सीमा पार संग्रह के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर कलेक्शन फॉर बिजनेसेस इन इंडिया? बताइए इसका आंसर, बताएं। कोशिश करें सभी लोग आंसर देने का। ए HDFC बैंक, बी इंडियन बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी DBS बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DBS बैंक। DBS बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो DBS बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में भारत के व्यवसायों के लिए सीमा पार संग्रह के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। DBS भारत और एशिया प्रांत में ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक है जिससे भारत में करीब 4,000 कॉरपोरेट और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है। ठीक है, क्लियर। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले सही आंसर आया है किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं, किसी का भी सही आंसर नहीं है, DBS बैंक, याद रखिएगा। 28 नंबर, बताइए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है वो आपको बताना है। विच कंट्री हैज बीन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सस्पेंडेड फ्रॉम द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? विच वन इज द राइट आंसर? सेशन को शेयर कर दे सभी लोग, सेशन को शेयर कर दे सभी लोग ज्यादा ज्यादा। ये सेशन आपका स्टार्ट हुआ है 500 करेंट अफेयर सीरीज का, रेगुलर दोपहर में 2 बजे ये क्लासेस होगी, ये ध्यान में रखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है कुमार केशव, अंशु सिंह, अंजना सिन्हा, बहुत अच्छे, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो COVID-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने के लिए उत्तर कोरिया को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति
द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। उत्तर कोरिया राष्ट्रीय ओलंपिक निकाय को भी पिछले ओलंपिक से बकाया धन को जब्त करना है। तो यहाँ पे फोरफिट मनी जो है, जो ड्यू रह गया है उसको यहाँ पे ये इनके द्वारा वापस से उनको क्या करना है, रिकवर करना है। तो वो भी एक रीजन था, और कोविड-19 महामारी का हवाला दिया था इनके द्वारा केसेस को लेकर के, जिसके वजह से ये अपनी टीम को वहां पे भेजने के लिए असमर्थ थे। 29, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज लॉन्च इट्स अकाउंट इन विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू काउंटर फेक न्यूज। काउंटर फेक न्यूज, बताइए फेक न्यूज। क्वेश्चन नंबर 29, फेक न्यूज बताइए, विच वन इज द राइट आंसर? ए व्हाट्सएप, बी टेलीग्राम, सी इंस्टाग्राम, डी ट्विटर, है ना? पता है टाइपिंग में गलत ऑप्शन लग गया, सॉरी। कोई बात नहीं सोनल, एक बात पूछना है, बताएं बताएं आशुतोष। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राम इज द राइट आंसर। टेलीग्राम इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखते हो चलेगा, ठीक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो सही आंसर आया है, अभिषेक सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभिषेक सिंह के द्वारा सबसे पहले सही आंसर आया, फिर आंसर आया अर्जुन सिंह के द्वारा, बहुत अच्छे, फिर आंसर आया धर्मेश कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर आपकी स्पेशल क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री हुई है, उसमें 29 मई को पार्ट वन हुआ है, बट पार्ट टू नहीं है, तो प्लीज बताएं। आशुतोष टेंशन मत लीजिए, 1 फरवरी से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मैं कर रहा हूँ वापस से। मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में आपको बाइलिंगुअल में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। 1 फरवरी से स्पेशल क्लासेस या प्लस पे वो मैं आपको 31 तारीख को बता दूंगा। फिलहाल ये न्यूज है, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जिन जिन लोगों को कवर करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मुझे प्रोफाइल में जाकर के फॉलो कर लीजिए। आपको 1 तारीख से आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है? क्लियर? तो आप पिछला जो हो गया उसको रहने दीजिए, लाइव कनेक्ट होइए मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री में, वहां पे आपको सारी चीजें कवर होगी। जिनको प्लस में एडमिशन लेना है इस कोड का उपयोग कर ले। देखिए ऑफर चल रहा है, आज तक ही सीमित है ये ऑफर। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ा दिया जाएगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया जाएगा। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही सीमित है, तो इस कोड का उपयोग करके प्लस में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम इज द राइट आंसर। सूचना और प्रसारण मंत्री ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अपना अकाउंट लॉन्च किया है। इसे पीआईबी फैक्ट चेक के रूप में, देखिए पीआईबी फैक्ट चेक के रूप में लॉन्च किया गया था, जो टेलीग्राम चैनल रखने वाली कुछ सरकारी संस्थाओं में से एक है, और इसका उद्देश्य केंद्र से संबंधित जानकारी तो को सत्यापित करना, ठीक है? क्या कहा जा रहा है कि केंद्र से जुड़ी जो भी जानकारी है उसको क्या करना है, सत्यापित करना है और अपने ग्राहकों को प्रसारित करना है। पहले टेलीग्राम पर फैक्ट चेक के नाम पर फर्जी चैनल चलाए जा रहे थे, याद रखिएगा। कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन को फोकस कोकस किलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके समर्थन करने जा रहा है? तो विच कंट्री इज गोइंग टू सपोर्ट इंडियाज गगनयान मिशन बाय ट्रैकिंग इट थ्रू कोकोस किलिंग आइलैंड? कोकोस किलिंग आइलैंड से ट्रैक करके गगनयान मिशन को कौन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसमें से वो आपको बताना। ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी न्यूजीलैंड, डी कनाडा, विच वन इज द राइट आंसर? ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को भी कवर करनी, कोई बात नहीं सोनाली, ज्वाइन कर जाइएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। विच वन इज द राइट आंसर? 1857 की क्रांति का पूरा नोट्स मैंने आपको बाइलिंगुअल में करा दिया है, वो 1857 की क्रांति का अगर मेरा नोट्स अगर आप कवर कर लिए तो कोई भी बुक आपको कवर करने की जरूरत नहीं है 1857 की क्रांति को लेकर। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, इतने लोग कनेक्टेड है, सेशन को लाइक कर दीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। धर्मेश कुमार बहुत अच्छे, अभिषेक सिंह वेरी गुड, गुड्डू राज बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 3 लोगों का आंसर सही आया। तो ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी के उप प्रमुख एंथनी मार्फेट ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन को कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके समर्थन करेगा, यानी सपोर्ट करेगा। इस साल के शुरुआत में इसरो प्रमुख के सिवान ने कहा था कि अंतरिक्ष एजेंसी ऑस्ट्रेलिया समकक्ष के साथ गगनयान मिशन के लिए कोकोस किलिंग द्वीप समूह में ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए बातचीत भी कर रही है। तो कोकोस किलिंग आइलैंड पर एक गगनयान मिशन को यहां से मॉनिटर किया जा रहा है और यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन बनाने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है कोकोस किलिंग आइलैंड में, ये ध्यान में रखते चलिए। क्लियर, डन, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ए इज द राइट आंसर, वो आपको ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। इसरो के चीफ कौन है? इसरो के चीफ, इसरो के चीफ, इसरो के चीफ सोमनाथ। पढ़ाया हुआ है ना कुमार के सब, पढ़ाया तो था सोमनाथ, सोमनाथ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? के सिवान की जगह लेने वाले हैं ये, के सिवान की जगह पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? सोमनाथ के बारे में हम लोगों ने इनके बारे में कवर किया था, कवर किया था, याद रखिएगा। डन, देखिए ये ऑफर चल रहा है 25 से 27 जनवरी तक का, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन आपकी बढ़ा दी जाएगी। अगर आप 12 महीने का एडमिशन लेते हैं तो भी आपका 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा, 24 मंथ का एडमिशन लेते हैं तो भी 6 महीने बढ़ा दिया जाएगा। ये 6 महीने का ऑफर आप उठाएं, लाभ उठाएं अन अकेडमी प्लस पे एडमिशन लेकर के। ये पुराने लर्नर्स के साथ साथ न्यू लर्नर्स के लिए भी ये ऑफर है, ये ध्यान रखिएगा। न्यू लर्नर्स का इसका फायदा तो उठा सकते हैं, पुराने लर्नर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कोड आपके सामने लिखा हुआ है विवेक लाइव 10 या फिर VKYT लाइव, दोनों में से कोई भी कोड का उपयोग करें, दोनों में से कोई भी कोड का उपयोग करें, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस में आप ज्वाइन करें सारी चीजें कवर करने को लेकर के, याद रखिएगा। ये 500 करेंट अफेयर सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में जाकर के मोबाइल नंबर से यूज करके साइन अप कर लीजिएगा। बीपीएससी गोल में आपको सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा। स्पेशल क्लास जब भी आप ओपन करेंगे आपसे एक कोड मांगेगा, कोड यूज कर लीजिएगा विवेक लाइव 10। ये कोड जैसे ही आप यूज करेंगे आप सारे फ्री क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे, याद रखिएगा। और ये कॉम्बैक्ट टारगेट 67 cc स्टार्ट होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को, इस बात का ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को स्टार्ट होगा, दोपहर में 12 बजे ये होगी। 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखते चलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये परीक्षा होगा। 50 भाग्यशाली प्रतिभागियों को यहाँ पे एक्साइटिंग गैजेट्स आपको मिलेंगे, सैमसंग का मोबाइल मिलेगा, जेबीएल हेडफोन मिलेगा, गूगल होम मिनी मिलेगा, अमेजन वाउचर्स मिलेगा, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ये टेस्ट सीरीज है, इसको भी कवर कर सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा एक्सपर्ट कैटेगरी में, मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिएगा विवेक कुमार, मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, और आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं सारी चीजें अनअकैडमी प्लस पर। करंट अफेयर पॉलिटिक्स साइंस मैं आपको कवर कराता हूँ प्लस पर। और सबसे बड़ा चीज कि आपकी अगली परसेंटेज की क्लास है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा 4:15 बजे। परसेंटेज का लगभग 70% पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, कोशिश रहेगा आज परसेंटेज हम लोग कंप्लीट करने का। हम लोग अगले क्लास में वहीं पे मिलेंगे, कल इसकी अगली क्लास होगी 30 नंबर के आगे, हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे September part 3। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच।